टंकी में ऐसे क्या बैठे हैं जी, हम ही ना इस्तेमाल करते हैं। काम हो गया, क्लियर हो गया, पाना वाना क्लियर हो गया का? गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का दिन बहुत ही अमेजिंग सा हो रहा है। फिलहाल अभी जस्ट हो रहे हैं सुबह के 6, मतलब भाई मैं आज ना 5:30-6 बजे उठ गया। एंड उठने के बाद मतलब अपना ब्रश व्रश भी हो चुका है। एंड भाई साहब उठने के बाद ना आज हम लोग गौ सेवा कर रहे हैं, मतलब गौ सेवा तो हम लोग रोज ही करते हैं, जैसे सुबह गाय को खाना देने से लेके गाय को गाय का दूध लगाने तक, गाय का दूध दुहने तक हम लोग गौ सेवा तो रोज ही करते हैं। बट आज ना भाई कुछ मतलब स्पेशल टाइप का गौ सेवा हो रहा है, मैं आप लोगों को ना दिखाता हूँ। जस्ट लुक एट दिस, हम लोग ना आज गौ सेवा कर रहे हैं इस तरह से, गाय को नहला के। मतलब रोज तो गौ सेवा करते ही हैं, बट भाई आज गाय को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है नहाने का। एंड वो भी ना भाई मम्मी नहला रही हैं, मतलब ऐसे तो मोनू या मैं या पापा नहला देते हैं, बट आज मम्मी नहला रही हैं। सो हाँ कोई नहीं, फिलहाल ये ना सबसे लास्ट में नहा रहा है, पता है क्या, अब हम लोगों ने ना इसको नहला दिया है। एंड ये चुपकू तो नहा के घर में भी आ गए, आप चेक करो। बाकी भाई साहब सुबह सुबह ना गौ सेवा करके इतना अमेजिंग सा फीलिंग आ रहा है ना भाई, नहाते हुए भी मतलब नौटंकी कर रहा है यार, इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर, ये देखिए। अच्छे से पकड़ के रखना पड़ता है, नहीं तो भागते रहते हैं ना तब। क्या हुआ, किसी किसी दे रहा है। छोटा बाबू है, छुटका, आजा। किसी किसी ये छोटा बाबू है, बोलो राधे। फिलहाल गाय को नहलाने वालाने के बाद ना मेरा एक काम तो बचा ही हुआ था कल से, भाई साहब इलेक्ट्रिक बोर्ड को सेट करने का। तो हाँ अभी फाइनली मैंने इलेक्ट्रिक बोर्ड को सेट कर दिया। बोर्ड को सेट करने के बाद मस्त अपना नहाना धोना भी हो चुका है। एंड भाई नहाने धोने के साथ साथ ना मम्मी ने मस्त गर्मा गर्म मेरे लिए चाय भी बना ही लिया है। कि पूछ लेते हैं एक मिनट, मम्मी चाय बन गया कि नहीं? मम्मी चाय बना? बन रहा है। मम्मी चाय बना रही हैं, तो अभी ना चलते हैं यार मस्त गर्मा गर्म चाय तोस इंजॉय करते हैं। भाई मस्त अपना गर्मा गर्म चाय बन चुका है, साथ में ना मैंने तोस भी रख लिया है, तो हाँ अभी ना चाय तोस निपटाते हैं। भाई फिलहाल अभी जॉब सोच गए हैं शाम के 4, आप टाइम चेक कर लो, हाँ मतलब 4 बजने वाले हैं। बाकी पता है क्या भाई साहब, चाय तोस खाने के बाद ना मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया था, ठीक है। एंड भाई कंस्ट्रक्शन साइट से मैं अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले ही घर पर आ रहा हूँ। एंड लिटरली चाय तोस खाने के बाद ना मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया, मतलब अभी मुझे भूख इतना तेज वाला लगा है ना। एंड भाई मम्मी आज मुझे इतना बोल रही थी कि मतलब इसीलिए सुबह सुबह ना मुझे चाय या चाय टोस्ट, मतलब चाय ब्रेड, चाय बिस्किट जो भी है मुझे नहीं दिया जाता है, मैं मांगता रह जाता हूँ। मैं अपने से बना के चाय पी ले रहा हूँ वो अलग बात है, बट मम्मी से अगर मांग रहा हूँ ना तो भाई मुझे मम्मी नहीं देती है। बिकॉज ना भाई साहब मैं चाय टोस्ट, चाय ब्रेड, चाय बिस्किट कुछ भी खा लेता हूँ ना, यही खाना खाने में 1, 2, 3, 4 ऐसे बज ही जाते हैं। एंड हाँ अभी ना मुझे लगा है तगड़े वाला भूख। एंड घर पे आता था ना मैंने ना भाई डिसाइड कर लिया था कि आज मैं पोहे खाऊंगा, तो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स भी काट लिए, तो चलते हैं यार मस्त गर्मा गर्म पोहे बनाते हैं, पोहे एंजॉय करते हैं। गर्मा गर्म पोहा बन चुका है, तो हाँ अभी ना मस्त गर्मा गर्म पोहा एंजॉय करते हैं। फिलहाल मस्त अपना पोहे वोहे खा के तो भाई मज़ा आ गया, मतलब अपने हाथ से बनाया हुआ पोहा, मज़ा नहीं आएगा तो क्या ही आएगा। तो हाँ पोहे खाने के बाद ना मैंने मस्त गर्मा गर्म चाय बना लिया है। एंड भाई आज का दिन ना मतलब स्टार्ट भी हुआ था चाय से, एंड भाई एंड भी नहीं हो रहा है, टेंशन आप लोग मत लीजिए। तो हाँ अभी ना मस्त गर्मा गर्म अदरक वाला चाय एंजॉय करते हैं। एंड फटाफट से ना कंस्ट्रक्शन साइट पे चलते हैं, बिकॉज सेटरिंग का काम ना बहुत ज़्यादा, मतलब आई थिंक ना 75% कंप्लीट, 75-80% कंप्लीट हो चुका है। तो आज भाई साहब फटाफट से चाय पी के फटाफट से कंस्ट्रक्शन साइट पे चलते हैं, ताकि मैं आप लोगों को ना जितना काम हो गया है मतलब, तो वो सारा काम ना दिन के उजाले में दिखा सकूं, ताकि यार मतलब मैं शाम को या फिर कभी जाता हूँ ना तो ऐसा हो जाता है ना कि मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाता हूँ। बट हाँ अभी फटाफट से चाय पियेंगे, फटाफट से कंस्ट्रक्शन साइट पे चलेंगे। आई होप आप लोगों को कंस्ट्रक्शन साइट का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाकी पता है क्या हुआ भाई, मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे गया, मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी किया, बट भाई वीडियो रिकॉर्ड तो हो गया, उसमें आवाज़ आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है यार आजकल मेरे साथ, मतलब उसमें ना आवाज़ म्यूट हो गया है। मैंने इतना सारा चीज़ बोला 1 मिनट के अंदर अंदर, आई थिंक 1 या 1.5 मिनट का वीडियो बना होगा, मैंने इतना सारा चीज़ बोला बट भाई साहब कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है यार, एकदम म्यूट आवाज़ है,
पता नहीं क्या हो रहा है। तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल ये सारे चीज़ तो हो गए, अभी ना चलते हैं कुछ देर दुकान पे बैठते हैं। वैसे भी बाहर में ना भैया लोग हैं, अंकल जी लोग बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है यार कुछ देर उनके साथ भी तो बैठना जरूरी है। एडजस्ट हो चुके हैं, शाम के 7:30 आप टाइम चेक करो। एंड पता है क्या भाई साहब, वहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन साइट पे अभी तक जस्ट लिटरली काम चल ही रहा है। एंड अभी ना कुछ कुछ प्रॉब्लम आया, जैसे जो टॉयलेट का टंकी था ना वो आई थिंक अंदर से ना प्लास्टर हो रहा है, तो उसी में ना कुछ कुछ प्रॉब्लम आया, तो अभी ना भाई फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना पड़ेगा। टंकी में ऐसे काहे बैठे हैं जी, अभी ना इस्तेमाल करने पर काम हो गया, क्लियर हो गया, पाना वाना क्लियर हो गया का? फिलहाल कंस्ट्रक्शन साइट से तो हम घर पे कब के ही आ चुके थे, एंड उसके बाद ना कुछ देर दुकान पे बैठ गए, एंड अभी जस्ट दुकान वकान बंद करके मैं हो चुका हूँ फ्री। एंड अब मैं जा रहा हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने, क्योंकि दुकान बंद करने के बाद ना मतलब अपना डिनर विनर सब हो गया। आज पूरे दिन में बस मैंने पोहे ही खाए थे ना, तो इस वजह से भूख तगड़ा लगा था, तो भाई खाते वक्त ना मैंने ब्लॉग बना मतलब मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गया। तो हाँ कोई नहीं, फिलहाल आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा ना चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो यार, बाकी आपका जो मर्जी करो, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, गुड नाइट। क्या हुआ, किसी किसी देगा ये, किसी से दिया, किसी 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 दे रहा है, छोटा बाबू है, छुटका छुटका आजा, किसी 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 किसी